गाइस ये देखो अपनी 20 लाख की है वो शहर गाइस। अबे यार ये तो उड़ती है इसके पैस की टांग। सर गाइस अभी मैं जा रहा हूँ गुडमैन के बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए। हाँ ये रहा। अबे भाई साहब इधर तो देखिए, चल तेरी भैंस की। तो कैसे हो दोस्त, मैं हूँ आपको होस्ट सिविल गेमर। तो यार गाइस वेलकम बैक टू द न्यू गेम वीडियो। तो यार दोस्तों यार जैसे कि आप लोगों को पता होगा पिछले वाले एपिसोड में हमने हेलीकॉप्टर की चोरी की थी और भाई साहब वो हेलीकॉप्टर आम आदमी का नहीं बल्कि इस सिटी के आर्मी ऑफिसर का था यार, ये जो कर्नल था ना यार उसका था। तो फिलहाल देखो गाइस मैं इधर बर्गर खाने के लिए ठहरा था और ये देखो अपनी हायाबूसा इसकी बैस की टांग। तो यार गाइस हायाबूसा ना वैसे तो मेरी है नहीं, लेकिन इधर पार्किंग में यार क्या पता यार किसने खड़ी कर दी यार। तो यार आपको तो पता होगा पिछले वाले एपिसोड में हमने रॉबरी करने के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हमारी लैम्बोर्गिनी एवेंटेडोर को छोड़ा था और गाइस देख सकते हो अभी मैं लॉस संतोष इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच चुका हूँ। मतलब इस रनवे के ऊपर यार साला पोधक किया मारो। अब यार गाड़ी की स्टैंड मारना पड़ेगा इधर से। ओ भाई साहब अब यार क्या यार स्टैंड क्यों फेल हो गया। तो जान दो गाइस आप अब यार किधर ठहरी है यार मेरी गाड़ी। तो सबसे पहले यार हायाबूसा को इधर ही पार्क करते हैं। अब भाई साहब ये क्या बीवेर हाउस में है। हाँ ए में है, ए में थी। ओके तो चलो यार गाइज। हाँ अब यार जान में जान आ गई क्योंकि मेरे सामने मुझे लैम्बोर्गिनी एवेंटेडोर दिखी। गाइज मतलब नया रामनी गाड़ी हमने से दो बार गुम हो चुकी थी और भाई साहब अब मैं इसे किसी भी हालत में गुम होने नहीं दूंगा। तो फिलहाल चलो यार गाइज अभी मैं देखो यार प्यारी सी ट्रिप मारा। तो मतलब यार इसे स्क्रॉल कर रहा और भाई साहब देखो अभी रात हो चुके है, मतलब रात के 8:30 बज चुके हैं। तो फाइनली अभी मुझे गुडमैन का फ़ोन आया था और गाइज मैं निकल पड़ा हूँ गुडमैन की ओर। तो यार पता नहीं गुडमैन मतलब साले यार टेंशन में लग रहा है। तो हाँ बस यार इधर से लेफ्ट लेना है। अब यार कैसे कैसे जगह में आता है, लगता है पायरेट्स कैप है। तो यार गाइस ये दिख रही होगी आपको जैक स्पैरो की ब्लैक बियर। तो चलो यार गाड़ी को इधर पार्क करते हो रहे, देखो गुड मैन नल्ला इधर खड़ा है। तो चलो यार जाके भाई से अपना दुख बांट लेते उसके साथ। लेकिन यार दिख नहीं रहा। अबे गुड मैन किधर है साले, आजा सामने। हाँ वो ही रहा यार। ओए नल्ले सिविल गेमर, मेरा बच्चा एक डील करने के लिए जा रहे है, तुम्हें बच जाके उसे प्रोटेक्ट करना है भाई। और कोई भी मुसीबत आए तो उसे सीधा ठोक दो बंदे को और मुझे कॉल कर दो। अरे डोंट वरी गुड मैन, जैसे आपकी इज्जत हो यार गाइस अभी गुड मैन से मेरी बात हो चुकी है। भाई साहब देखा आपने मतलब यार सुना ही होगा। तो चलो यार फटाफट लैम्बोर्गिनी एवेंटेडोर में के निकलते हैं इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन साइट। अबे साला यार क्या ब्लॉक कर रहे यार साला ट्रैफिक, मतलब यार सुबह से दिमाग खराब कर रहे यार ये लोंडे इस सिटी के। तो अबे कौन हैवी ड्राइवर है गाइस। ओ अबे देखे यार पुलिस के ऊपर चढ़ा दी इसने भाई साहब, इसके अलग ही सस्ते नशे। और देखो यार ठोक दी। तो जाने दो गाइस अपनी फट रही है इसके सामने। ओ भाई साहब इसकी बेस कटा। अबे यार क्या कर रहा है पिकअप वाले। अबे यार गाइस इसका दिमाग क्या मतलब सटक गया है क्या साला, अचानक ब्रेक दबाते। तो जाने दो गाइस, बस मुझे ना यार यहाँ से आगे से राइट मारना पड़ेगा। और भाई साहब अबे यार मैं क्या देखता हूँ साला इधर भी कोई नहीं है इसकी बैस कटा। ये रहा अबे ध्यान से बच गया भाई साहब, वरना कहीं अपने यार गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता। तो चलो यार गाइस अभी मैं ना यार इस लोकेशन पे आ चुका हूँ फाइनली। तो ये देख सकते हो इस टावर के ऊपर, टावर तो नहीं यार एक स्लैब है, स्लैब के ऊपर साला स्नाइपर खड़ा हुआ है। तो चलो यार एक मैं काम करता हूँ इधर से ना इसके पीछे जाता हूँ सीधा और गाइस जाते इसे साला टपका देता हूँ। तो चलो यार बस आराम से जाना पड़ेगा, अपने फुटस्टेप की आवाज़ आए ना तो ये साला अपनों को शमशान घाट पहुँचा सकता है। इसकी पैस की टांग, अबे पीछे मत देख, चल तेरा बाप आ गया, चल तेरे पैस की टांग। तो गाइस मैंने फाइनली से AK-47 से टपका दिया और गाइस इसके स्नाइपर को हमने हायरिंग किया है। तो बस यार आजू बाजू में कोई स्नाइपर से ही भी मुझे पेलना है। ये रहा क्या भाई साहब इधर देखो यार, मतलब पहला बाप इधर बोला रहा है और भाई साहब ये देख रहा है अपने दूसरे बाप को। तो यार जान दो गाइज एक को तो यार मैंने डाउन कर दिया। हाँ इस बिल्डिंग के ऊपर यार लगता है इसका बच्चा है। चल हाँ बेटा चल निकल लॉलीपॉप खा चल। तो गाइज इसे भी मैंने टपका दिया। अब यार दो नहीं हाँ तीन बंदे थे ना ये देखा। चलो हाँ यार इसे अच्छा हेडशॉट लगा है शायद। तो और गाइज मैंने ना यार तीनों स्नाइपर को यहाँ पे ढेर कर दिया। तो यार ये देख सकते हो अभी रेड वाली कार में गुडमैन का बेटा आ चुका है भाई साहब डील करने के लिए और हमें ना इसे ही प्रोटेक्ट करना है। तो अरे धीरे धीरे से इस कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर जाने वाला है और गाइज ये बंदे यार मेरे को लगता है यूनियन बॉस टेरिटरी के बंदे लग रहे हैं यार कसम से। तो गाइज अभी इसकी बातचीत हो गई और अब यार क्या, अबे यार ये भाग क्यों रहा है भाई साहब, गड़बड़ हुई है। ओ इसकी बैस की टांग मुझे लगाया था यार, पहले मैंने मेरे गन का एम इसके मत्ते पे डालता। चल तेरी बैस की टांग निकलने ले। अब यार ये मरते क्यों नहीं साला की हेड शॉट में। हाँ जा ओ तू आ जा, तू साले नजदीक है ना, चल तेरी बैस की टांग निकल। अब यार गाइस अब यार इधर देखो ना यार, तुम्हारे पप्पा मार रहे तुमको यार, किधर देख रहे हो, चल चल निकल। तो यार गाइस देख सकते हो अभी मैंने फाइनली पांचों बंदों को यार यहाँ पे ढेर कर दिया। तो चलो यार इसका बेटा अभी जाने वाला है, गुडमैन ने नीले स्कॉर्पियो भेजी है इसके लिए। तो चल यार बेटे जल्दी से बैठ और भाग जा अपने बाप के पास नल्ले। तो गाइस फाइनली देख सकते हो अभी अपना मिशन कंप्लीट हो चुका है और गाइस गुडमैन का बच्चा सही सलामत डील करके, मतलब डील तो नहीं थी यार धोखे वाली, डील करके अपने बाप के पास गुडमैन के पास सही सलामत पहुंच गए। तो फाइनली गाइस चलो अभी आपने को भी नीचे जाना पड़ेगा
कल रात से साला घर नहीं गया, बीवी अंदर घुसने नहीं देगी। तो चलो यार गाइज अभी देख सकते हो, ओ इसकी बहस के टांग यार, मेरी लैम्बोर्गिनी एविटेंट और चोरी हो गई भाई साहब एयरपोर्ट पे, मैंने बोला था यार दूसरी बार हो गई। ओ आंटी जी को पूछता हूँ, आंटी जी मेरी लैम्बोर्गिनी देखी क्या? अरे बताओ ना यार आंटी जी, आपके बच्चे के लिए दूध लेकर दूंगा मैं। अब यार गाइस ये आंटी तो बोलने का नाम तक नहीं ले रही यार, इसने क्या मौन व्रत धारा किया है कि अपने पति के लिए दूध जाने दो। यार गाइस अभी मेरा मत्ता गर्म हो चुका है और गाइस अभी ना मुझे खुले हवा की जरूरत है। तो यार गाइस मैं आ चुका हूँ इस बिल्डिंग के ऊपर, चलो जाता हूँ खाली हवा लेने के लिए। तो यार गाइस मतलब ना यार दिमाग बहुत खराब हो चुका है, काम तो किया पैसे भी मिले लेकिन साली अपनी लैम्बोर्गिनी एविटेंट और चले गई। तो फाइनली गाइस देखो मैं ऐसे कूदा लेकिन यार फाइनली इधर पे बच गया, मतलब यार नसीब तो अच्छा है और खराब भी है। तो चलो यार गाइस जाने दो, आज का वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, गुड बाय।